हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेस। हमारे जैसे कि अभी पता है इंटीग्रल इक्वेशन एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है जो मैथ है हमारा, इंटीग्रल इक्वेशन एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम बेटा, जो कि मैथ है। हमने इसके ऊपर लेक्चर 33 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आगे अगर पॉसिबल हुआ और कोई मेरे पास टॉपिक आए तो मैं वो टॉपिक भी इसी प्ले लिस्ट में लिंक कर ऐड कर दूंगा। अब मैं हर यूनिवर्सिटी का, स्टेट यूनिवर्सिटी में जितने भी डिस्टेंस है, प्राइवेट है, रेगुलर है, सभी का कंबाइन सिलेबस लेके चला था। हर यूनिवर्सिटी का हम अलग अलग भी वीडियो प्रोवाइड करा देंगे थोड़ी देर में, धीरे धीरे। अभी सब यूनिवर्सिटी के हम क्वेश्चन पेपर सोल्व करवाना शुरू कर रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले हम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का कर रहे हैं, जो डिस्टेंस है और उसी के बेटा लिखा हुआ प्राइवेट, दोनों का पेपर साथ में होता है, उनका हम क्वेश्चन पेपर करेंगे आज 2017 से लेके 2023 तक का सोल्यूशन, और उसके क्वेश्चन पेपर कैसे हैं वो सब चीज सीखेंगे। हाँ, अगर आपको ये जितना भी मैं पूरा पढ़ाऊंगा वो सब नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। नीचे एक टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ मैं लास्ट में बताऊंगा नोट्स कैसे आपको मिल जाएंगे। अब सबसे पहले चलते हैं 2017 में बेटा। तो आपका 2017 कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, एक बार फिर बता देता हूँ, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी डिस्टेंस का पेपर है और ये प्राइवेट का पेपर, दोनों के सेम पेपर होते हैं बेटा। तो यहाँ पे मैंने जितने भी वीडियो करवा दिए हैं उन सभी के ऊपर हम बात करेंगे बेटा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है सेक्शन वन का, कि व्हाट इज द इंटीग्रल इक्वेशन एंड डिस्टेंस इन क्लास। बेटा मैंने इंटीग्रल इक्वेशन पढ़ाया था, उसके आपको टाइप पढ़ाया था बेटा, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, और फिर मैंने पढ़ाया था आपको फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशंस। वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको करना है, ठीक है बेटा। पहले क्वेश्चन में तो लिखा हुआ है लेक्चर नंबर वन और लेक्चर नंबर टू, वीडियो से आप जाके देख सकते हो। वीडियो मैंने 33 लेक्चर वन टू लेके 33 तक कंप्लीट करा दिया है, तो लेक्चर वन और लेक्चर टू आप वॉच कर सकते हो पहले क्वेश्चन के लिए, ठीक है। फिर पहले के बी पार्ट के लिए आप लेक्चर नंबर थ्री वॉच कर सकते हो बेटा, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर टू के लिए आप लेक्चर नंबर फाइव वॉच कर सकते हो, मैं लिखा हुआ है। और बेटा ये देखो, फाइंड दी अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस बाय कन्वर्टिंग द कर्नल इनटू सेपरेबल कर्नल। बेटा जो कर्नल हमारा दिया हुआ है इसको हमें किस में बदलना है, सेपरेबल कर्नल में भी दिया हुआ बेटा। तो ये क्वेश्चन आपको सेल्फ से ट्राई करना है। इसमें आपको लेक्चर नंबर 5, 4, 6, 7 की हेल्प लेना है बेटा, उससे ये क्वेश्चन सोल्व होगा हमारा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री पे आते हैं बेटा। थ्री के लिए आप लेक्चर नंबर 9 पे जा सकते हो। थ्री के बी के लिए आप लेक्चर नंबर 11 वॉच कर सकते हो, सेम क्वेश्चन है सारे एजेटिव। लेक्चर नंबर फोर के, सॉरी सेक्शन टू में हम क्वेश्चन नंबर फोर के लिए लेक्चर नंबर 15, या इसी का बेटा दूसरा नाम है बेसल इनइक्वालिटी, बेसल इनइक्वालिटी, ठीक है बेटा। यह क्वेश्चन सेम है लेक्चर नंबर 15 हमारा। और फिर फोर्थ के बी के लिए आप लेक्चर नंबर 19 वॉच कर सकते हो, लेक्चर नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 के ए के लिए आप लेक्चर नंबर 21 वॉच कर सकते हो, ठीक है बेटा। हर चीज क्वेश्चन का बताऊंगा मैं आपको। और इसके बी पार्ट के लिए आप लेक्चर नंबर 28 वॉच कर सकते हो। अब आता है बेटा सेक्शन थ्री। बेटा सेक्शन जो थ्री है हमारा, इसमें मैंने कोई भी टॉपिक आपका करवाया नहीं है। इसका क्या है, मैं आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा इसके पूरे के हर सेक्शन में। इसके कुछ टॉपिक मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ, अप्रोक्सीमेट मैंने 5 टॉपिक लिया है थर्ड सेक्शन से। कौन कौन सा, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या होती है बेटा, फिर इनके 2 लेक्चर मैंने एग्जाम्पल्स के लिए है, ठीक है बेटा। उसके बाद एक लेक्चर तो इस पे लिया, एक लेक्चर इसके एग्जांपल पे, 2 लेक्चर। तीसरे में मैंने क्या लिया, 2 पार्ट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम बेटा, क्या लिया, 2 पार्ट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। फिर इसी लेक्चर में मैंने 3 पार्ट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम लिया बेटा, 3 पार्ट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। तो एक लेक्चर, 2 लेक्चर, 3 लेक्चर और 4 लेक्चर। और इसी में एक मैंने क्वेश्चन लिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो आपके 10 मार्क्स का आता है। तो ये 5 टॉपिक अभी तक मैंने इसमें कवर कर दिया है, यूट्यूब पर वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हो, बाकी आपको यहाँ पर पूरा मिल जाएगा, ठीक है बेटा। अब जो ये पूरा सेशन है बेटा, याद रखना है, जहाँ पे ये पूरा सेशन है इसमें कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो मोस्ट रिपोर्ट हो रहा है, ठीक है। उसका अगर मेरे को टाइम लगा तो ये वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, वरना मैं एक्स्ट्रा नोट्स में इसका पूरा लिंक अवेलेबल करा दूंगा। लिखा हुआ मैंने एक्स्ट्रा नोट में सेक्शन 3 आपको पूरा मिल जाएगा। अगर आपको करना है तो एग्जाम में ये क्वेश्चन 8 नंबर करके जाना है, अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आता था सेक्शन नंबर 4 बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 का बेटा आपके सिलेबस में कहीं इसका कोई जिक्र नहीं है, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आपका दे रखा है, फिर भी आपको मैं एक्स्ट्रा नोट्स में इसको प्रोवाइड करा दूंगा। अब आता है इसका बी पार्ट, तो लेक्चर नंबर 25 वॉच कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आप लेक्चर नंबर 30 वॉच कर सकते हो बेटा, 16 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, जो कि मैं यहाँ बता चुका हूँ, ठीक है। ये पूरे मैंने सेक्शन नंबर 4 का आपको बता दिया, सॉरी थर्ड का नहीं था, फोर्थ का मैंने बता दिया। अब इसके बाद आता है बेटा क्वेश्चन 2018 का क्वेश्चन पेपर। तो उसमें पहले क्वेश्चन के लिए आप, पहले के ए पार्ट के लिए आप लेक्चर नंबर 3 पे जा सकते हो, इसके बी पार्ट के लिए लेक्चर नंबर 4, वो भी नोट्स में मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व कराया। इस प्रकार का सेम क्वेश्चन बेटा मैंने लेक्चर नंबर 4 में 3 क्वेश्चन कराया है,
फिर मैंने देखा ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया हुआ, तो मैंने नोट्स में इस क्वेश्चन को और ऐड कर दिया है सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर टू में आप पहले क्वेश्चन के लिए लेक्चर टू देख सकते हो, और बी के लिए आप लेक्चर नंबर 11 का सी पार्ट देख सकते हो, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन के लिए आप ए पार्ट के लिए लेक्चर नंबर 11 और बी पार्ट के लिए लेक्चर नंबर 9 वॉच कर सकते हो बेटा, ठीक है। अब फोर्थ में बेटा ये क्वेश्चन मैंने कराया नहीं है, ठीक है, बी पार्ट मैंने कराया हुआ है लेक्चर नंबर 19, नोट्स में ओनली आपको ये क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। इसके न्यूमेरिकल ऑलरेडी मैं आपके लेक्चर में करवा चुका हूँ, इसका प्रूफ भी आया हुआ था, तो प्रूफ मैंने नोट्स में ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का ए के लिए आप लेक्चर नंबर 21 वॉच कर सकते हो, बी के लिए बेटा लेक्चर नंबर 23 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं इसके सेक्शन थर्ड में बेटा। सेक्शन थर्ड में 6 का एक क्वेश्चन मैंने एक पहले क्वेश्चन बताया था, एक दूसरा क्वेश्चन ये बता रहा हूँ, ये आपको एग्जाम में करके हो जाना है। एक ग्रीन फंक्शन का क्वेश्चन आपको करके जाना है एग्जाम में, तीन क्वेश्चन ये हो गए बेटा, ये करके जाना है। ये देखो वो पहला जो क्वेश्चन बताया था वो दोबारा से यहाँ पे रिपीट हो गया है, तो ये तीन क्वेश्चन आपको मोस्टली करके जाने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा नोट्स में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अब आता है लेक्चर नंबर 4th का पार्ट बेटा। 4th में आपका क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट लेक्चर नंबर 25 में सारे न्यूमेरिकल आपको एडिट किया हुआ है, जाके देख सकते हो। इसका बी पार्ट है बेटा, इसके लिए लेक्चर नंबर 26 वॉच कर सकते हो, और क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आप लेक्चर नंबर 30 बेटा, इसमें क्या है, टू पार्ट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम प्रूव करना है पहले, फिर एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है एग्जाम्पल, ये प्रूव करना है। तो ये पूरा आपको मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया हुआ है, और जो ये न्यूमेरिकल है बेटा, ये मैंने नोट्स में आपको दिया हुआ है, नोट्स में इसका बिल्कुल ईजी फॉर्म, जैसे पढ़ते ए बी सी डी पढ़ते हैं उस प्रकार से इसका मैंने सॉल्यूशन बिल्कुल अच्छी तरह करवाया हुआ है, और ये एग्जाम में आपका 4 से 5 बार पूछा जा चुका है, तो आपको ये नोट्स में ये क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। अभी तीन क्वेश्चन हो गए बेटा थर्ड सेक्शन के लिए, एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये और एक क्वेश्चन ये, तीनों आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा नोट्स में, और होस्ट का तो इनका वीडियो भी बना के अपलोड कर दूंगा। अब आता है 2019 का पेपर बेटा। 2019 के पेपर में आपको क्या करना है, प्रूव दैट दी होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन बेटा, इसको पढ़ोगे ना विद सेपरेबल करनेस विद लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन बेटा, इसको मैंने नहीं कराया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का बी को करेंगे तो लेक्चर नंबर 5 वॉच कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 2 के ए को करेंगे तो लेक्चर नंबर 2 वॉच कर सकते हो, बी को करेंगे तो 4 को कर सकते हो, अगर 3 का ए करना है तो लेक्चर नंबर 7 को वॉच कर सकते हो, और बी को करना है तो लेक्चर नंबर 10 को वॉच कर सकते हो, सेम क्वेश्चन कराए हुए हैं। अब हिल्बर्ट सीट में थ्योरम हमारा लेक्चर नंबर 17 करवाया है मैंने बेटा, ये क्वेश्चन यहाँ पे नहीं करवाया है, इसको नोट्स में एडिट में कर दूंगा, ठीक है। अब 5 का ए के लिए आप लेक्चर नंबर 20 वॉच कर सकते हो, 5 के बी के लिए आप लेक्चर नंबर 29 वॉच कर सकते हो, ठीक है। अब सेक्शन थर्ड में बेटा तीन टॉपिक बता चुका था, चौथा टॉपिक ये आ गया पॉइजन इंटीग्रल इक्वेशन फॉर्मूला बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेक्चर नंबर 27 ऑलरेडी अपलोडेड कर चुका हूँ इसके ऊपर, ठीक है। अब उसके बाद देखो, उसके बाद आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, अब मैंने बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम आपको पढ़ाया था, ठीक है, क्या पढ़ाया था, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, बट बेटा ये कौन सी कंडीशन दे दिया यहाँ पे, इसने एडजॉइंट कंडीशन दे दिया, तो लेक्चर नंबर 2 मैंने इसमें जो बताया था अपलोड करेंगे, तो वहाँ से इस क्वेश्चन को भी मैं करा दूंगा कंप्लीट। अब आता है फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन को, हमने लेक्चर नंबर 33 पे जा सकते हो, ये टॉपिक मैं करा चुका हूँ, लेक्चर नंबर 32 पे जा सकते हो। अब आता है सेक्शन नंबर 4 पे बात बेटा, पहले क्वेश्चन 9 के ए पार्ट के लिए आप लेक्चर नंबर 25, बी पार्ट के लिए लेक्चर नंबर 25, दोनों मैंने आप यहाँ पे करवाया हुआ है, ठीक है बेटा। अब लेक्चर नंबर क्वेश्चन नंबर 10 के लिए 3 पार्ट बाउंड्री वैल्यू बेटा लेक्चर नंबर 31 वॉच कर सकते हो, ठीक है बेटा। लेक्चर नंबर 3 से आपको ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराए हैं मैंने, चार टॉपिक में करा दिया, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम बेटा, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम प्लस इनके दोनों के न्यूमेरिकल। अब आपको क्या करना है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक मैंने यहाँ पे पॉइजन इंटीग्रल इक्वेशन में ऑलरेडी करवा चुका हूँ, तीन टॉपिक तो ये आपको अच्छी तरह करने हैं, ठीक है। और तीन वीडियो में हो सके तो 99.9% कोशिश कर रहा हूँ अपलोड करने की, अगर टाइम लगा तो, क्योंकि पूरा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कवर करना है इस बार में हमको, तो ये हमारा रहेगा। अब अगले साल का क्वेश्चन पेपर बेटा 22 का, 2020-21 के मेरे पास क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं थे, ठीक है। अगर आपके पास हो तो उनको भी भेज देना, उनको भी इस प्रकार लेक्चर वाइज डिवाइड कर देंगे हम लोग। अब आता है इसका क्वेश्चन यूनिट 2022 का क्वेश्चन पेपर, ऊपर लिखा हुआ बेटा, पहले क्वेश्चन के ए के लिए आप लेक्चर नंबर 1 और 2 वॉच कर सकते हो, बी के लिए लेक्चर नंबर 5 वॉच कर सकते हो, ठीक है बेटा। और 2 के ए मैंने करवाया नहीं है, ठीक है, ये आपके कहीं सिलेबस में मेंशन नहीं था। 2 का बी है वो लेक्चर नंबर 7 वॉच कर सकते हो बेटा, 3 के ए के लिए आप लेक्चर नंबर 4, 3 के बी के लिए लेक्चर नंबर 11 बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, याद रखना, जो रिपीट हो रहा है वो याद रखना, ठीक है। हिल्बर्ट सीट में थ्योरम फिर दोबारा से रिपीट हुआ बेटा, 22 में लेक्चर नंबर 17 वॉच कर सकते हो, 5 के बी के लिए आप लेक्चर नंबर 21 वॉच कर सकते हो, यूट्यूब पर फ्री अवेलेबल है,
ठीक है बेटा, कोची टाइप सिंगल और इंटीग्रल क्वेश्चन बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लेक्चर नंबर 28 वॉच कर सकते हो। थर्ड के लिए बेटा देखो यहाँ पे फिर दोबारा से वही क्वेश्चन, यहाँ पूरा इसने इंपोर्टेंट दे दिया। देखो पॉइजन इंटीग्रल इक्वेशन मैंने करवाया हुआ है, ये दे दिया। फिर मैंने यहाँ पे इनिशियल वैल्यू का सॉल्यूशन करवाया हुआ है, यो दे दिया इसने, ठीक है बेटा। और मैंने बोला था सेल्फ हेल्प जॉइंट वाला बेटा, ये क्वेश्चन मैं और ट्राई करूंगा, क्योंकि इस ये अगर मैं करवा पा रहा हूँ पूरा तो आपका ये सेशन कंप्लीट हो जा रहा है। यहाँ से मैंने थर्ड सेक्शन से बेटा, थर्ड सेक्शन क्या किया है मैंने 70% वेटेज उठाया आपका, और बाकी क्वेश्चनों से मैंने 90% वेटेज उठाया कि आपका पूरा मतलब 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर है तो आप 70 का सोल्व कर पाओ। मेरा मोटो इतना है, मेरा 80 में से 80 मोटो नहीं है, क्योंकि 80 में से 80 करवाऊंगा आपको नंबर आएंगे 20, तो वो नहीं करना है हमें, 80 में से 70 ही करना है, क्योंकि बाकी क्वेश्चनों को करने के चक्कर में हमें 10 लेक्चर और अपलोड करने पड़ेंगे जो कि आपके कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के लिए वैलिड नहीं, और आप फेल हो जाओगे, ठीक है। अब बेटा फोर्थ, इसका फोर्थ है यूनिट नंबर फोर्थ जो है उसके लिए हमने ये क्वेश्चन आया था, इसके लिए लेक्चर नंबर 25 बेटा, लेक्चर नंबर 25 पे ना लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन है, लैपलेस ट्रांसफॉर्म बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आ ही आ रहा है, और कई बार आपका 16 का 16 बन जा रहा है इस लेक्चर। तो लेक्चर नंबर 25 पे मैंने 10 क्वेश्चन लिया हुआ है, ठीक है बेटा। सारे क्वेश्चन ना मैंने लेक्चर में नहीं करवाए हैं, कुछ नोट्स में भी एडिट किया है इसमें, नेट्स नोट्स में बहुत ज़्यादा एडिट है, याद रखना ये बहुत ज़्यादा नोट्स में मैंने एडिट किया हुआ है, तो नोट्स ज़रूर बाई कर लेना आप। उसके बाद बेटा 2023 का भी लेटेस्ट आपकी यूनिवर्सिटी ने अपलोड किए क्वेश्चन पेपर, तो मैंने 23 का भी वहाँ से उठा लिया है बेटा। यूनिट वन में पहले क्वेश्चन के लिए आपको देखो, पहले के लिए लेक्चर नंबर 3, ए के बी के लिए लेक्चर नंबर 4, दूसरे के ए के लिए लेक्चर नंबर 9, और इसके बी के लिए बेटा फिर ये इंपॉर्टेंट हो गया, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा था, फिर से इंपॉर्टेंट हुआ 22 में भी 23 में भी पहले, लेक्चर नंबर 11 बेटा ये बेसिक डेफिनेशन है, आपके यूनिवर्सिटी में हर बार एग्जाम में पूछी हुई है, और सारे लेक्चर यूनिवर्सिटी लेब डेफिनेशन है मैंने 1 और 2 में करा दिया बेटा। और तीसरे के बी के लिए लेक्चर नंबर 4 बेटा, देखो कोई भी क्वेश्चन बचा है इस लेक्चर में हमारा, 23 में मैंने जितना सिलेबस करवाया पूरा आपका पेपर यहाँ तक फोटो हो रहा है, तो मतलब 32 मार्क्स कंप्लीटेड एक ही सेक्शन में, सारे देख लेना सारे नोट्स में अवेलेबल है, कितना 32 मार्क्स का, 80 मार्क्स में से 32 मार्क्स आ चुके हैं आपके यहाँ पे। अब देखो सेक्शन 2 में आइगन वैल्यू सिमेट्रिक करना लेक्चर नंबर 16 करवाया हुआ है, इसका बी लेक्चर नंबर 19 करवाया हुआ है बेटा, 5 के लिए लेक्चर नंबर 20 और 5 के बी के लेक्चर नंबर 23 बेटा, फिर से दोबारा से आपका 32 नंबर का सेक्शन कंप्लीट हो रहा है, मतलब एक क्वेश्चन दो, अभी दो तो इससे उठा लिए, तो एक क्वेश्चन और यहाँ से उठाओगे तो 16 32 प्लस 16 हो गया बेटा यहाँ पे हमारा। अब थर्ड पे चलते हैं बेटा, थर्ड पे देखो मैंने पहला क्वेश्चन 6 का ए करवाया हुआ है, लेक्चर नंबर 33 है हमारा, और मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू सर्कुलर डिस्क बेटा, ये एग्जाम में आ रहा है, इसको मैं अपलोड कर दूंगा, टेंशन मत लो आप लोग, मैं इसको फाइनली पक्का अपलोड करूंगा, ठीक है बेटा। और यहाँ पे देखो लेक्चर नंबर 32 फिर दोबारा से मैंने, तो ये मैं हमारा यहाँ से भी एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का हो रहा है, 16 में से यहाँ पे कितने मिल रहे हैं 8 मार्क्स, तो कितने हो गए, ये हो गए बेटा हमारे 8 और 32 एक, 16 और 8 एक। चलो आगे चलते हैं, अभी फोर्थ पे और बात कर लेते हैं बेटा। नाइन्थ के ए के लिए आपको 25 लेक्चर देखना है, बी के लिए आपको 26 लेक्चर देखना है, और टेंथ के लिए आपको लेक्चर नंबर 30 बेटा 16 मार्क्स का फिर कंप्लीट हो गया हमारा, तो चलते हैं फिर ऐड कर लेते हैं इसमें। देखो बेटा बताओ कितना नंबर का क्वेश्चन सोल्व हो रहा है 80 में से मेरा पढ़ाया हुआ 2023 के पेपर में। मैंने बेटा कुछ अपने घर से नहीं बनाया, ये यूनिवर्सिटी ने आपके 2-3 दिन पहले ही अपलोड किया क्वेश्चन पेपर, मेरे पास कोई क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल नहीं था इस चीज़ का, ठीक है बेटा। बताओ ओनली 8 मार्क्स का मतलब 72 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर सेट हो रहा है मेरा पढ़ाया हुआ, कुरुक्षेत्र डिस्टेंस यूनिवर्सिटी, के डिस्टेंस यूनिवर्सिटी। हाँ अगर आप वीडियो से पढ़ सकते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरा वीडियो दिया हुआ है, जाके देख सकते हो। हाँ अगर आपको नोट्स चाहिए बेटा, आप आ जाती है नोट्स बाद, नोट्स आपको अगर बाई करना है तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, ठीक है बेटा, मात्र 100 रुपीज में आपको जितने लेक्चर वाइज हैं, जितने में लेक्चर 20 लेक्चर 23 सारे मात्र 100 रुपीज में अवेलेबल है ये सारे, तो क्वेश्चन पेपर का ये जो सोल्यूशन है ये सब लेक्चर वाइज आपको मिल जाएगा मात्र 100 रुपीज में। इसी प्रकार मैं अभी नेक्स्ट मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का क्वेश्चन पेपर लेके आऊँगा बेटा आपके सामने। पहले नंबर पे हमने किस पे लिया, इंटीग्रल इक्वेशन का, याद करना इंटीग्रेशन इक्वेशन एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। दूसरा मैं किसका लेके आऊँगा बेटा, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। तीसरा मैं किसका लेके आऊँगा, पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मैकेनिक्स। चौथा मैं लेके आऊँगा फ्लूड मैकेनिक्स, और पाँचवा मैं लेके आऊँगा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स मैंने ऑलरेडी कुछ नोट्स करवा दिए हैं, और इसका वीडियो मैंने अभी तक कराया नहीं तो करा दूंगा, इसको भी नोट्स अवेलेबल हैं इसके भी बेटा, इसको धीरे धीरे क्योंकि इसका जो फिफ्थ मैथ है इसका पैटर्न चेंज हुआ आपका 2022 और 23 के हिसाब से करा रहा हूँ, तो उसके मैं कुछ पैटर्न चेंजेज है उस हिसाब से मैं इसको प्रिपेयर कर रहा हूँ। बाकी ये लेक्चर्स यूट्यूब पर अवेलेबल है,
ये इंटीग्रल इक्वेशन कंप्लीट है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड कंप्लीट है, पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट है, फ्लूड मैकेनिक्स के कुछ लेक्चर बचे हुए हैं उनको और मैं अपलोड कर दूंगा ऐसे ही आपके सामने। तो ये आपको 100 रुपीज में मात्र पूरा नोट्स विद सॉल्यूशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल रहा है। बेटा ये मत बोलना लेक्चर नंबर 32 कहाँ है, बेटा नोट्स जब खरीदोगे ना उस पर एक एक चीज़ लिखा हुआ है, नहीं खरीद सकते मत खरीदो बेटा, अफोर्ड नहीं कर सकते मत खरीदो। आप वीडियो देखिए यूट्यूब पे, क्या देखिए, वीडियो अवेलेबल है सचिन मैथ क्लासेज, यूट्यूब चैनल का नाम सचिन मैथ क्लासेज, यहाँ सब कुछ अवेलेबल है आपके लिए, आप ध्यानपूर्वक कर सकते हो, इसको एंजॉय करते रहिए, मजे करते रहिए। और होस्ट का तो बेटा मैं ये तो 100% करा दूंगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू थिन सर्कुलर डिस्क, ठीक है बेटा। तो ये सेक्शन को हम पूरा कर लेंगे हमारे को, ठीक है, मजे करते रहिए, इनको एंजॉयमेंट करते रहिए और बाय कर लीजिए 100 रुपीज में, कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर आप ये पूरे के क्षेत्र यूनिवर्सिटी के मैथ खरीदना चाहते हैं तो मात्र 400 रुपये में आपको ये अवेलेबल मिलेगा, सारे के नोट्स प्लस में इस प्रकार से ये पूरा कौन सा लेक्चर कहाँ पे है कैसे है सब कुछ आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। अब टेलीग्राम का नीचे डिस्क्रिप्शन को सभी को पता है, यूट्यूब सब लोग भारी भरकम मात्रा में चलाते हैं, वहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। एंजॉय करते रहिए बेटा, पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए, थैंक यू। शेयर कर देना बेटा सभी के साथ, क्योंकि सभी को रिक्वायरमेंट है इनकी, कोई नई नोट खरीद सकता मत खरीदो बेटा, ओनली मेरी वीडियो देखो और मजे करो।